ये मैसेज देना चाहूँगा कि हेल्दी डाइट लो, ज़्यादा करके किसी ड्रग के पीछे मत भागो और वर्कआउट शेड्यूल रेगुलर रखो। नमस्कार, मैं मनोज मोरे आपसे शेयर करूंगा अपनी कहानी, कैसे मेरी ज़िंदगी मेहनत से बदल गई और आज मैं सफलता वजन उठाने से नहीं मिली बल्कि इसीलिए मिली कि मैंने कभी हार नहीं मानी। स्वागत है आपका पोस्ट लॉकडाउन फिटनेस मोटिवेशन बाय यूजेनिक्स न्यूट्रिशन ओनली एट bodyandstrength.com। मैं मुंबई से हूँ। मेरे परिवार में मम्मी है, वाइफ और सन है। मैंने स्कूलिंग मुंबई से ही किया है और बचपन में ऐसा मतलब फिक्स टारगेट नहीं था मेरा में कि मतलब मेरे को यही बनना है। मैं एक्चुअल बचपन में एथलीट था, मतलब 100 मीटर 200 मीटर्स करता था, उसके बाद खो खो खेलता था। बाद में जब भी कॉलेज गया तभी वॉलीबॉल हैंडबॉल खेलता था और बाद में मेरे भाई ने एक्सप्रेशन से वजह से मैं ये लाइन में आया वेट लिफ्टिंग पावर लिफ्टिंग में। मेरा आइडल हमारे कोच संजीवन भास्करन है, उनका इंटरनेशनल रिकॉर्ड है डेडलिफ्ट में। मेरे को ज़्यादा सपोर्ट फैमिली से मिला है, ज़्यादा करके पिताजी ने बहुत सारा सपोर्ट किया है। उसके बाद में मेरे भाई ने भी उतना ही सपोर्ट किया है मेरे को। बहुत सारे चैलेंजर फेस किए, मतलब पहले बचपन से फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत, मतलब उसमें पिताजी ने बहुत हेल्प किया, मतलब थोड़ा वगैरह सेविंग करके जो मतलब अंकल वगैरह देते थे वो सेविंग से हम लोग न्यूट्रिशंस के लिए मतलब डाइट के लिए अलग से पैसा सेविंग करते थे। अचीवमेंट्स मेरे एक कॉमनवेल्थ मेडल है, गोल्ड एशिया में मेडल है मेरे को, और अभी शिव छत्रपति जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का पुरस्कार रहता है वो भी मेरे को मिला है। जब भी मैंने स्टार्ट किया तो मतलब ये एम नहीं था मेरा कि वेट लिफ्टिंग पावर लिफ्टिंग में कुछ मैं कर पाऊँगा। मतलब एक्सप्रेशन भाई से एक्सप्रेशन मिलने के बाद मैंने बहुत सारे टर्निंग पॉइंट आए, मतलब मेरे को लगा नहीं था कि मैं इतना कर पाऊँगा। मैं कॉम्पिटिशन में जाता था तभी मैं दूसरे का लिफ्टिंग देखता था कि मतलब ये लोग इतना कैसे उठाते हैं, हम लोग क्यों नहीं उठा सकते। तो उनसे मैंने इंस्पिरेशन लिया कि मतलब उनको भी सेम, मतलब जो बॉडी पार्ट अपना बॉडी पार्ट है उनको भी वही सेम बॉडी पार्ट है। इसके बाद में वो टर्निंग पॉइंट हो गया, मतलब मैं उससे वहाँ से इंस्पिरेशन लेने के बाद मैं कॉन्फिडेंस आ गया और मैं इम्प्रूवमेंट करते गया। सबसे अच्छा जीवन में फील हुआ जब भी मैंने 400 kg स्क्वाट किया और उसके बाद में शिव छत्रपति पुरस्कार जब भी मेरे को डिक्लेयर हुआ वही मेरे को अच्छा पॉइंट ये था। वेट लिफ्टिंग में आपका एंड्योरेंस लेवल बढ़ता है, स्टैमिना बढ़ता है, मतलब वेट लिफ्टिंग ऑल इवेंट में आपको यूज़ होता है, मतलब जैसे कि क्रिकेट वगैरह है उसमें वेट लिफ्टिंग यूज़ होता है। और पावर लिफ्टिंग ऐसा गेम है उसमें स्ट्रेंथ बहुत सारे लगते हैं, मतलब जो बॉडी बिल्डर्स वगैरह रहते हैं वो बॉडी बिल्डिंग के लिए बहुत काम आता है आपका पावर लिफ्टिंग गेम। मैं मुंबई पुलिस में ASI पोस्ट पे हूँ, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। वहाँ पे मैं मुंबई पुलिस से भी खेलता हूँ, मतलब ड्यूटी का टाइम हमारा अलग रहता है, 12 घंटा ड्यूटी रहता है, कभी 24 घंटा भी रहता है। उसमें कभी कभार मिस हो जाता है ट्रेनिंग, तो भी मतलब एक दिन का ट्रेनिंग मिस हुआ तो भी मतलब शेड्यूल में कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, मतलब उसमें भी कभी फैमिली को टाइम देना पड़ता है, मतलब वो एडजस्टमेंट करना पड़ता है। मतलब अच्छा न्यूट्रिशन बोले तो सबके लिए जो स्पोर्ट्स है उस सबके लिए मतलब अच्छा न्यूट्रिशन मतलब बहुत काम में आता है। एक्चुअल जब भी समझो फैट लॉस करना है आपको तो भी न्यूट्रिशन प्रॉपर चाहिए आपका। जब भी अभी वेट लिफ्टिंग कर रहे हो, पावर लिफ्टिंग कर रहे हो, उसमें प्रोटीन इंटेक वगैरह, फैट, कार्ब्स, वो प्रॉपर इंटेक होना चाहिए।
आजकल के लड़के नया है, मतलब एक महीना नहीं हुआ तो मैं कौन सा सप्लीमेंट लूँ, नेचुरल डाइट के ऊपर जाते ही नहीं है। इसके लिए जितना नेचुरल डाइट अच्छा करोगे उतना आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलेंगे। डेली वर्कआउट शेड्यूल, मतलब मॉर्निंग में मेरा ड्यूटी रहता है और इवनिंग में मेरा वर्कआउट शेड्यूल रहता है, मतलब 7 to 10। वहाँ उसमें मतलब स्क्वाट्स रहता है एक दिन, मतलब एक दिन बेंच, एक दिन डेडलिफ्ट, उसमें ही असिस्टेंट मसल का वर्कआउट भी करता हूँ। मतलब डेली डाइट शेड्यूल, मतलब कभी कभी शेड्यूल प्रॉपर होता है, कभी कभी थोड़ा मिसप्लेस भी होता है ड्यूटी की वजह से, तभी मैं कर लेता हूँ। मतलब 10 eggs, प्रोटीन शेक, बॉयल चिकन्स, स्प्राउट एक्सेट्रा नहीं होगा। और जान से ज़्यादा हम लोग लिफ्टिंग के वो पैर करते हैं, उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि हेल्दी डाइट लो, ज़्यादा करके किसी ड्रग के पीछे मत भागो और वर्कआउट शेड्यूल रेगुलर रखो।